ध्रुव ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी व राज्य के लाडले गृह मंत्री तामसी साहू अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन फॉर्म जमा कराया। इस दौरान उनके समर्थकों में गजब का उत्साह नजर आया। राजनीति में अपने कार्य का लोहा मनवाने वाले कुशल व्यक्तित्व के धनी गृह मंत्री सभी के चहेते रहे हैं। मीडिया से चर्चा करने के दौरान उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी 6 विधानसभा के प्रत्याशियों ने अपने दमखम दिखाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन फॉर्म भरा। इसी कड़ी में राज्य के गृह मंत्री तामसी साहू भी दल बल के साथ अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ नामांकन फॉर्म जमा करने पहुंचे। समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच नामांकन जमा करने पहुंचे गृह मंत्री ने मीडिया के समक्ष इस तरह की जानकारी दी है। हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी घोषित किया है और आज अपने सभी पदाधिकारियों के साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में उनकी उपस्थिति है और 2 सेट मैंने अभी नामांकन फार्म जमा किया है। लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है और पूरा विश्वास है कि हम लोग इस चुनाव में भारी बहुमत से जीतेंगे। उनकी मानसिकता इसी में पता चलता है कि हम लोग जब सर्वहारा वर्ग के लिए काम कर रहे हैं तो उसको रेवड़ी और रबड़ी की संज्ञा दे रहे हैं, ये कितना किसानों के प्रति, महिलाओं के प्रति, बेरोजगारों के प्रति, आदिवासी और अनुसूचित जाति के प्रति, व्यवसायी वर्ग के प्रति, सबके लिए हम लोगों ने योजना बनाई है और उसको अगर इस प्रकार की बात करते हैं तो इनकी मानसिकता इसी से पता चलता है। और जो योजनाएं हम लोगों ने बनाई है हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में और आम जनता में जो उत्साह है उससे हम लोगों ने अनुमान ले लिया है, एहसास है कि इस बार हम लोग 75 पार जाएंगे।